नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है MD2 Reader Publication। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आज की न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई है, अमर उजाला में। दोस्तों ये न्यूज़ आई है भी SSC पेपर लीक मामले का जो आरोपी था वो कल जो है हरियाणा पुलिस ने चंडीगढ़ से उसको गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला क्या, पूरा मैटर क्या, इस वीडियो में डिटेल से आपको बताने जा रहा हूँ। तो अगर आपने भी SSC कोई परीक्षा दी थी और आपके संज्ञान में ये मामला आया था कि भाई हरियाणा की कोई परीक्षा लीक हुई थी और उससे संबंधित आरोपी कि आप इंतज़ार कर रहे थे कब पकड़े जाएंगे कब पकड़े जाएंगे, आज तक कोई भी मामला ऐसा नहीं आया था कि भाई SSC जो परीक्षा लीक मामले में जो दोषी होते हैं वो पकड़े गए हों, ऐसा पहली बार सुनने में आया और पेपर में भी न्यूज़ आई। तो दोस्तों, अगर आप हरियाणा से जुड़ी जॉब और जॉब से जुड़ी रेगुलर अपडेट पाना चाहते हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। तो SSC पेपर लीक मामले के आरोपी समेत 1 करोड़ की पुरानी करेंसी के साथ 3 लोगों को काबू किया गया है। एक आरोपी करनाल का, आरोपियों से 32 बोर की पिस्टल और 2 चाकू भी बरामद किए गए हैं। सेक्टर 40-41 डिवाइडिंग रोड के पास से SSC पेपर लीक के आरोपी अमृतपाल समेत 3 लोगों को पुलिस ने 1 करोड़ की पुरानी करेंसी, 32 बोर की पिस्टल और 2 कमानीदार चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों को उस वक्त दबोचा गया जब तीनों एसेंट कार में सवार होकर माहौली से जो है PU की ओर आ रहे थे। आरोपियों की पहचान करनाल के नीलोखेड़ी निवासी अमृतपाल, जिसकी उम्र 36 साल है, जो मेन जो हमारा SSC पेपर लीक मामले का दोषी है। जालंधर फिल्लौर के गांव अट्टा निवासी मनजिंदर सिंह 44, गांव कुलारा शिवनाथ शाह 30 के रूप में हुई है। तो दोस्तों, मेन तो ये है कि भाई जो स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जो सख्ताई रोड पर हो चुकी है या ट्रैफिक पुलिस कर रही है उसको लेकर उसी फिराक में जो है ये SSC पेपर लीक मामले का दोषी पाया गया। SSC पेपर लीक में एक आरोपी का नाम पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया कि आरोपी अमृतपाल का नाम SSC पेपर लीक मामले में भी है, जो चंडीगढ़ के सेक्टर 3 पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड है। अमृतपाल ने MBA की हुई है, उसका एक बेटा व बेटी भी है, जबकि आरोपी मनजिंदर सिंह 12वीं कक्षा तक पढ़ा हुआ है और सोलर सिस्टम मेकर का काम करता है। वही विश्वनाथ 7वीं तक पढ़ा है, वह 8 चक्की का काम करता है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। तो दोस्तों, ये इसका जो केस रजिस्टर्ड है इसके खिलाफ नाम है जी इनका अमृतपाल, ये आपके करनाल के निवासी हैं नीलोखेड़ी के। इनके खिलाफ जो पेपर लीक का मामला दर्ज है वो ये नहीं पता कि भाई किस पेपर को लेकर मामला दर्ज है। तो अभी हरियाणा पुलिस जाँच कर रही है, जैसे ही जाँच पूरी हो जाती है चंडीगढ़ पुलिस के साथ कोऑपरेशन करके, वैसे ही आपको डिटेल एक न्यूज़ खबर चैनल बनाकर चैनल के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग योर ऑन YouTube चैनल MD2 Reader Publication। थैंक यू वेरी मच।